अरे राम राम बड़े भाई, हम पहुंच गए हैं। ये विलेज कौन है, कौन सा गांव है? रतनपुर। ये यहाँ तो रतनपुर लग रहा है, ये विलेज रतनपुर है, तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी। बड़े भाई ये है कम से कम 12 बीघे का भैया, 12 बीघे का प्लाट है बड़े भाई। लोग बता रहे हैं, सब बताएंगे भैया जी, तो इसका रेट वोट सब बताएंगे और सारा कुछ बताएंगे भाई जी। तो अभी आप वीडियो देखिए बड़े भैया, देखो कम से कम देख लो कैसा पका गेहूँ लगा है। हमको लगता है लगदरी आ गया है, नहीं भाई काटने वाला हो गया है। होली बाद में सब गेहूँ काटने वाला हो जाएगा। 15-12 बीघा ज़मीन है बड़े भैया। और भैया जी रेट बताई हैं सारा कुछ, भाई से पूछे भी लाए हैं, एक बड़े भैया बता रहे हैं काफ़ी दूर से प्लाट है आए भाई, और चक्रोड से लगी है भैया। ये एक नंबर की खेती करने वाली है ज़मीन, देखिए गेहूँ देखिए भैया जी। तो आपके समझ में आए तो बताना मेरे को, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना भाई जी। देखिए वहाँ से है, देखिए भाई बड़े जी वो जूम करते हैं भाई, वो वहाँ से लगा है पूरा प्लॉट, वहाँ से पूरा खंभा लगा है भाई जी। वहाँ वो पेड़ दिख रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए वो पेड़ दिख रहा है भाई, वहाँ से म्याड़ है इसकी, इस ज़मीन की यहाँ से पेड़ पर से म्याड़ है भाई। और ये ज़मीन यहाँ से पूरा, यानी काफ़ी ये नपी जुखी ज़मीन है, कम से कम 18 बीघे का, 12 बीघे तो रजिस्ट्री होगी और 18 बीघे का कब्जा है गेहूँ में। एक नंबर भैया खेती करने लायक है भैया जी। और सुभाष भैया कुछ किसी से बात किए थे तो लेकर के आए हैं किसान, किसान भी हम आपसे भी बात कराएंगे सभी लोग से, और बताते हैं कैसे क्या है प्रोसेस इसका और क्या प्राइज है भैया और कितने बीघा है, क्या सब कुछ हम आपको बताते हैं भाई जी। चल करके मिलते हैं भाई, भाई लोग से बताएंगे अभी तो सारा कुछ भैया। हाँ तो भाई हम भैया जी पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं भैया से नहीं और बताते हैं। बताओ सुभाष भाई, अब चक्रेश हाँ। भैया बताओ कि 2,25,000 रुपये पर बीघा ज़मीन है भैया? अच्छा अच्छा, तो ये 12 बीघा ज़मीन है। और किस कास्ट की है भैया? पंडित का, पंडित यानी जनरल कास्ट की ज़मीन है भाई जी। और जो समझ में आए तो इस पर विजिट कर सकते हो आप, जैसे आप लोग मांग रहे हो मेरे से कमेंट, और बहुत लोग कहते हैं व्हाट्सअप पर भैया मेरी खेती योग्य ज़मीन मस्त चाहिए, तो खेती योग्य ये मस्त ज़मीन है भैया जी, चक रोड से है, लेकिन यहाँ से नहीं डामर रोड देखा जाए तो सीधे ही इस साइड में देखा जाए तो भैया 500 मीटर की दूरी नहीं है, लेकिन इधर से चक रोड से लगी है, तो रोड प्लस बन रही है साथ में, थोड़ा 12 का मामला है भैया जी वो हो रहा है, तो हम आपको रोड तक दिखाते हैं कैसे क्या है। चलो भैया जी निकलते हैं। ये बड़े भैया ऐसा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि शेयर कर दो भाई, जो अपने दोस्त भाई लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं ज़मीनें सस्ती अच्छे लोकेशन में, कमीशन लगेगा भैया जी। ये भी बता रहे हैं कि आपको किसान थ्रू हम ज़मीन दिलाएंगे तो उस पर कमीशन आपका लगेगा बड़े भाई। दो या पहले भी वीडियो बना करके रखे हैं भैया जी, तो ये है ऐसे है, तो ये वाली चक्रोड से भैया जी, ये इधर से चक्रोड छूटी है, एक लोग का घर है बीच से चक्रोड निकला है उनके द्वारे से, वो आराम से आने जाने की रास्ता है भैया जी। टपन ट्रैक्टर लाइए, ट्राली लाइए, बिलोरो लाइए, बड़ी गाड़ियाँ या छोटी गाड़ियाँ सभी गाड़ियाँ आएंगी यहाँ पर भैया जी। और यहाँ से प्लाट है ये, पूरा प्लाट देख लीजिए भैया, हम आपको और दिखाते हैं, पूरी रास्ता दिखा देंगे भाई जी। अभी देखते रहिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्यों वीडियो में है तो फोटो लगा दिया करो बीच में यहाँ। लगा दिया करो तो चक्रोड है, बढ़िया बढ़िया मैच दिया करो, ये प्लाट आ जाते ना। ये ना ही है का? हाँ ना ही है यार, चाल वाले वाले कहाँ बड़का वो गए रहे, कोई खाना बनवाया नहीं रहे शहर में है। तो चलते हैं भैया जी, अब हम इसके ज़मीन की रास्ता पूरी दिखाते हैं भाई जी चल करके। अभी देख लो इस पर कुछ बन रहा है, नई रोड भी, नई रोड बन रही है इधर, पुलिया वलिया पड़ी है अभी, एक इधर रास्ता आने के जाने उधर से आए थे, लेकिन हम इधर से चल करके आपको दिखाएंगे। ये रास्ता है भाई, ये कम से कम 2 गड्ढे वाली है, यानी 24 फीट की रास्ता है भैया जी। तो देखिए पूरी रास्ता हम दिखाते हैं रोड तक, कितनी 1-1.5 मिनट की बात अच्छी है, वही 1.5 मिनट तक रास्ता आप देख लीजिए और फिर समझ में आना बताना भैया जी। तो देखिए ये रास्ता है भैया जी, ये पुलिया वलिया पड़ रही है, यानी रोड बनने का काम जारी है, लेकिन अभी बनी नहीं है रोड इधर, लेकिन बन सकते हैं भविष्य में, कभी भविष्य में बन सकते हैं, भविष्य में बनना ही है। तो भैया जी अब चलते हैं, हम आपको पूरी दिखाते हैं, देखो पुलिया वलिया पड़ चुकी है और रास्ता दिखाएँगे रोड पर तक। और देखो मेरी वीडियो भी 6 मिनट की है, तो 1 मिनट बचा है समथिंग में, तो यहीं सामने
कैमरा ज़्यादा हिल रहा है नहीं भैया, तो इसलिए हमको लग रहा है कि ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी खाला ऊंची है ना तो गाड़ी चल रही है। तो देखिए भैया जी पूरी रास्ता देख लीजिए आपको, ये क्योंकि खाली ऊंचा की रास्ता है इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है कैमरा, और दो गट्ठे वाली रास्ता है। बस हम पहुँच करके आपको रोड तक दिखाते हैं। और खेती वाली ज़मीन है भाई जी, तो खेती करना चाह रहे हो तो ये ज़मीन ले सकते हो, 2,25,000 रुपये पर बीघा है भैया जी। 12 बीघे का प्लाट एक है और कब्जा इसमें ज़्यादा है, 15-18 बीघे का है, और ज़मीन तो है 12 बीघा कागज़ पे। और इसकी खतौनी भी हम बताएंगे, और जो मेरे नंबर हैं चैनल वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, उस पर संपर्क कर लेना और आपको रिप्लाई भी मिलेगी भैया जी। तो ये है रास्ता, हम पहुंच गए हैं रोड, देखिए सामने वो रोड है और कॉलेज है, कॉलेज के जो सामने है भैया जी। तो ये देखा जाएगा कैसे क्या है, जिसका समझ में आए वो लीजिए भैया और नंबर पर संपर्क कीजिए। ये रोड है भाई जी।